नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से किट्टू बावर्ची यूट्यूब चैनल में। आज हम बनाएंगे अफ़गानी पनीर की रेसिपी, जिसको बनाने के लिए मैंने ले लिया है 250 ग्राम पनीर। लंबा लंबा क्यूब्स में काट लिया है उसको, और इसमें डाल देता हूँ मैं क्रश किया हुआ काली मिर्च। साथ ही इसमें जाएगा थोड़ा सा हींग, जाएगा साथ में धनिया का स्टेम बारीक कटा हुआ, धनिया के डंठल है ये, थोड़ा सा तेल एक चम्मच से करीब, और इस सबको हम जेंटली मिला देंगे। इसको मिला के हम रख देते हैं थोड़ी देर के लिए साइड में। अब एक पैन गरम करते हैं, पैन में लेते हैं 2 चम्मच के करीब तेल, तेल को गरम होने देते हैं। जैसे ही तेल गरम होता है ये मैरिनेट किया हुआ पनीर हल्का हल्का सेक लेंगे दोनों तरफ से। मुझे थोड़े करारे पसंद पनीर पसंद है, इसलिए मैं थोड़ा इसको करारे करूँगा। अच्छे से डाल दीजिए, 3 से 4 मिनट एक तरफ, 3 से 4 मिनट एक तरफ, मीडियम फ्लेम पे हो जाएगा तैयार ये। हल्का हल्का इसमें लाल कलर आने लगा है, मैं इसको 2 चम्मच की सहायता से आराम से इसको पलट दूंगा। बहुत ही नाइस और शानदार कलर है। दो से 3 मिनट गर्मी पकाने के बाद इसको फिर से मैं निकाल लेता हूँ एक प्लेट में। इसी बचे हुए तेल में अब हम प्याज और अदरक और लहसुन और धनिया की एक बहुत ही अच्छी सी ग्रेवी बनाएंगे। देखते हैं उसके लिए हमें क्या करना है। इसमें मैंने एक बड़े साइज का प्याज ले लिया है स्लाइस काट के, 2-3 हरी मिर्चें, थोड़ा सा हरा धनिया, साथ ही इसमें जाएगा 1 इंच का ये कटा हुआ बारीक कटा हुआ लंबा लंबा अदरक का टुकड़ा, ये 5-7 लहसुन की कलियाँ। इन सबको हमें कोई भी पकाना नहीं, ज़्यादा इसको कुछ नहीं करना है, कलर चेंज नहीं करना है इसका, बस थोड़ा सा इसको सॉफ्ट करना है। 2 से 3 मिनट के लिए हल्की आंच पे इसको चलाते हुए भून लें। ये देखिए, ये लगभग लगभग हमारा अब तैयार हो गया। इसको अब हम निकाल लेते हैं एक मिक्सिंग बाउल में। ये आ गया मिक्सी का जार, इसमें आ गई इससे डायरेक्ट ये सब मसाले। मिलाएंगे हम 1 कप के करीब दही, और इसको बनाएंगे फाइन पेस्ट। ये पेस्ट बन के आ गया हमारा, कितना अच्छा इसका कलर है। इसी पेस्ट में हमने लिया 1 चम्मच धनिया, 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे एकदम। इस कढ़ाई में लेंगे हम 1.5 से 2 टेबल स्पून तेल, देते हैं थोड़ा सा दालचीनी, ये 2-4 काली मिर्च बोले, इसमें आ जाएगा ये हमारा पेस्ट। इस पेस्ट को हमें पकाना है 12 से 14 मिनट के लिए हल्की आंच पे, मीडियम फ्लेम पे एकदम धीरे धीरे रसते रसते, क्योंकि इसमें सारे जो मसाले हैं वो कच्चे हैं, प्याज हो, अदरक हो, लहसुन हो, जब तक वो पकेगा नहीं तब तक इसका स्वाद आएगा नहीं। और इस खाने का मतलब ही वही है, थोड़ा समय दो, धीरे धीरे पकाओ, आराम से खाओ, आनंद करो। ढक्कन लगा देते हैं और 10-12 मिनट के बाद इसको हम